अस्सलाम वालेकुम। काले चने बना रही हूँ, काला चना चाट बना रही हूँ, ब्लैक चिक पीस के चाट बनाएंगे आज हम रमजानों के लिए, इफ्तार के लिए। ये किस तरह से बनेगी, सबसे पहले ये देख सकते हैं, मैंने काले चने 1 1/2 कप लिए हैं। ये ऑलरेडी बॉयल हैं, 90% इनको मैंने गला के बॉयल करके रखा हुआ है 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ। 2 कप पानी चाहिए होगा। एक छोटे साइज की प्याज लेके उसको उस तरह स्लाइस में काट लीजिएगा। नमक हसबे जरूरत चेक करके डालिएगा, ऑलरेडी इसके अंदर नमक मैंने डाल के बॉयल किया हुआ है। आप लोग भी अगर डाल के बॉयल करते हैं या ऑलरेडी रखे हुए हैं तो फिर नमक अपने मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ मान यानी कि 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। एक छोटे साइज का टमाटर लेके इस तरह क्यूब्स काट लीजिएगा। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून इमली का गूदा पल्प, ये भगार के लिए जो हमें चीजें चाहिए। 1 टीस्पून सफेद जीरा, 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता, 4 अदद गोल लाल साबुत मिर्च। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलते हैं। पैन ले लिया, पैन लेके उसमें आपने 2 कप पानी शामिल कर देना है। दो कप पानी शामिल करके इसके साथ आपने ये काले चने शामिल कर देना है, प्याज जो आपने स्लाइस करके रखी हुई है, चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, बेकिंग सोडा, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इमली का पल्प। नमक शामिल नहीं कर रही हूँ, नमक मैं इसमें लास्ट में शामिल करूंगी जब मुझे इसका फ्लेवर पता चल जाएगा नमक का कि इसमें पूरा है या कम है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है और मैंने ऑलरेडी नमक डाल के इनको 90% गलाया था। कवर करके अब इसको इतनी देर छोड़ दूंगी कि मेरे जो चनों में 10% कसर बाकी है वो गल भी जाए और ये तमाम पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, ये देख सकते हैं इसका तमाम पानी खुश्क हो गया है, इसका तमाम पानी खुश्क हो गया और छोले भी बहुत अच्छी तरह गल गए हैं। मैंने इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक ऐड कर दिया, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसकी भगार की तरफ चलते हैं। पैन ले लिया, 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, टेबल स्पून ऑयल ऐड करके रेड चिल्ली शामिल कर दीजिएगा ये वाली। जैसे रेड चिल्ली थोड़ी सी फ्राई हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो उसके अंदर आपने जीरा और कड़ी पत्ता शामिल कर देना है। ये देख सकते हैं बघार हमारा रेडी हो गया। ये देखें, ब्लैक चना काले चनों की चाट हमारी तैयार है अफ्तारी के लिए। खाएं, एंजॉय करें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर कोई भी आपकी सजेशंस है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता या कुछ आप लोग नया देखना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके बताया करें। आप लोगों की एडवाइस से मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं, और किस तरह की रेसिपी आप लोग देखना पसंद करते हैं या बनाना पसंद करते हैं। अपने ओपिनियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स करके। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।